हेलो। हेलो, हाँ बोला जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? हेलो, क्या हाल चाल है? आज स्नीजिंग का आराम रहा ठीक कुछ? है? बस वो आपका प्रोसेस कर रहा हूँ मैं अभी तो आप पहले अभी बोल तो रहे भला थे, जी, जैसे वो 24 आवर्स का अटैक। हाँ मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आप पहले कह रहे थे रोज ही आपको छींकें आती है या कभी कभी आती थी? नहीं मतलब भला जी, मानो कि हफ्ते में एक बार मेरा दिन ऐसा ही रहता है और सर में दर्द हो जाता है। एक मतलब वो दिन पूरा हफ्ते में खराब जाता है, मतलब एक दो बार हो जाती है हफ्ते में। अच्छा, चौबीस डेली का घंटे नहीं था? नहीं, 24 घंटे का अटैक रहता है ये बेसिकली। मतलब होना चालू हुई तो अगले दिन जब तक मैं एक पूरा सो के नहीं उठता हूँ ना, तो नेक्स्ट डे तक मुझे रहती है। ओके ओके, ठीक है। तो तो अभी आप फिर 3 गिलास पानी में एडजस्ट हो गए? प्यास तो लग रही है, काफी प्यास लग रही है, अभी भी बहुत प्यास लग रही है। थॉट भी थोड़ा, मतलब दिमाग भी थोड़ा ऐसा ही हूँ, डिजीनेस लग रही है, बट ठीक है, अभी कर रहा हूँ मैं तो आप खाने के प्रॉपर। साथ ही पी रहे ना अभी? खाने के साथ ही पी रहा हूँ, और बीच में कभी मतलब जैसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जब मैंने आपको मैसेज किया तो मैंने एक सिप पानी पिया था। और वॉक एंड रेस्ट भी कर रहे हैं आप? वॉक एंड रेस्ट में मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि मैं कम करता हूँ वॉक एंड रेस्ट। मुझे लगता है कि मेरे को लगा, पहले मुझे लगा कि खाली मुझे बेड ही चाहिए, पर मुझे बेड मिल नहीं रहा था तो फिर मैं नहीं कर रहा था। नहीं तो शाम को तो घर पर ही होते होंगे या लेट काम करते हैं? हाँ मतलब मैं अराउंड 9 साढ़े 9 बजे तक घर पे नहीं जाता हूँ। अच्छा, 9 साढ़े 9 के बाद पहुंचते हैं। हाँ 9:30 बजे तक घर पहुंचता हूँ, और मैं सुबह निकल जाता हूँ अराउंड 10-11 बजे, तो मैं घर पे काफी कम ही होता हूँ। तभी मैं आपसे पूछ रहा था संडे? कि या तो मैं, हाँ संडे संडे को रहता हूँ घर पे शाम तक। पूरा दिन होते हैं मतलब शाम तक, हाँ शाम तक 6 बजे तक होता हूँ संडे को, उसके बाद घूमने हो गए? उसके बाद घूमने घूमने निकल जाता। तो एक दूसरा काम कर लेंगे, बोलिए। खाना पीना दोनों छोड़ दीजिए। खाना पीना दोनों छोड़ दूं मतलब? कल संडे है ना आपका, तो हाँ एक ड्रॉप भी पानी मत लो और एक भी कुछ भी, एक ग्रेन भी खाओ मत कब तक? पूरा दिन। अरे भला जी, हो मतलब हो नहीं पाएगा मेरे से इतना, मेरे को तो फूड ठीक है, कंट्रोल सुनो करने की सुनो सुनो बिल्कुल सुनो आदत नहीं सुनो है, हो ही नहीं सुनो पाएगा। सुनो, और पूरा दिन वॉक एंड रेस्ट करते रहो विदाउट, जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा थकान हो रही है तो 1 घंटा लेट जाओ, रेस्ट ले लो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको सरदर्द शुरू हो जाएगा दोपहर तक, और अगर आपने ये कर लिया तो ना आपको प्यास लगेगी ना सरदर्द होगा और ना भूख लगेगी। अगर अपन एक काम करें कि जैसा अपन अभी चल रहे हैं कि खाना और ये जो फूड वॉक एंड रेस्ट है, ये सीट पे बैठ के कर लूं तो ऑफिस में दो चार हाँ बार, हाँ हाँ कर सकते और हैं, अगर बट खाना घर और में अगर जितना भी खाना कर सको। खाना अगर खाना छोड़ा, खाना मैं हो नहीं पाएगा, मेरे को लगता है फिर मैं नहीं नहीं इतना। आपका हो जाएगा आराम से। मेरे ख्याल से आप एक बार ट्राई करके देखो, बिकॉज अनलेस यू गिव इट ए ट्राई, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आपने कल कर लिया ना, कल हाँ एक तो आपकी छुट्टी है, हाँ तो अगर आप कल शाम तक सीरियसली इसको अटेम्प्ट कर लो तो मुझे नहीं लगता लाइफ में फिर दोबारा प्रॉब्लम होगी। तो इट विल बी ओवर बाई टुमारो इटसेल्फ। तो और अगर शाम को अगर मैं कल तक कल ये कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं कभी भी कितना भी पानी पीऊँ, नहीं कितना भी नहीं खाना नहीं नहीं खाऊँ, नहीं आपको उसके बाद पानी की जरूरत ही नहीं होगी, आप 3 गिलास पानी सफिशियंट होंगे आपके, 3 4 गिलास, 5 गिलास। फिर लाइफ लॉन्ग मैं 3-4 ग्लास पानी पी चल सकता हूँ ऐसा? हाँ, लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं, लाइफ लॉन्ग में चलने की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी पानी बढ़ा लीजिए, जैसे हफ्ते 10 दिन में एक आध बार बढ़ा लीजिए। तो आपके हिसाब से जो लोग इतना पानी पीते हैं वो इतना पानी पीना ही नहीं चाहिए? हम 4 ग्लास पानी में सर्वाइव कर सकते हैं पूरी जिंदगी भर। आप अभी कितना पानी पीते हैं? सी, मेरा एवरेज वाटर इंटेक विल बी 2 to 3 ग्लासेस इन ए डे। आप बहुत कम ही पानी पीते हैं मतलब। हाँ, बट नहीं, पर जब मुझे कोई लगता है कि बहुत दिन हो गए या थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगता है, तो बेसिकली जैसे ही कोई डिस्कम्फर्ट लगने शुरू हो उस समय आप बढ़ाकर 8 10 गिलास कर लो पूरे दिन में। तो दैट हैपन्स ओनली वंस इन ए वाइल। गर्मियां होंगी जब पीक समर होगा ना मई जून में, देन मे बी एवरी वीक यू फील लाइक एक दिन ऐसा करना पड़ेगा आपको, बट रेस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। बट सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका वेट कितना बताया था आपने? 60s में था ना कुछ? 68, 68, और हाइट 5'7"? तो 5 feet 7 inches, yes। यू कैन मैनेज विद बाय लूजिंग सम वेट ऑल्सो। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत सा फायदा होगा, और भी बहुत सा पर्सनैलिटी में, अदरवाइज भी आपको फायदा होगा। दिस इज द न्यू थिंग विच आई वॉज ट्राइंग। मैंने पिछले 4 दिन में 2 दिन करके देखा है, क्या पर मैं चीज? आपको तो, मैं अभी आपको थोड़ा सा ही कह रहा हूँ, दिन में मैं करीब 36 घंटे कुछ नहीं खाया पिया था, एंड इट वर्क वेरी वेल। और किसी और को भी मैंने कराया था, उसको करीब 24 घंटे का किया था उसने, बट जो भूख वगैरह का कह रहे हैं ना, कोई नहीं होता, उसके एनर्जी लेवल गोज अप, शूट्स अप लाइक एनीथिंग नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे आप नॉर्मल पर आइए, नेक्स्ट डे में ये नहीं करना कि उसको कवर अप करने की कोशिश करना है, जो आपका नॉर्मल मील वगैरह हो, पानी हो, वो करते रहिए, एंड यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड मोस्ट लाइकली हैप्पी एंड मोर अलर्ट ऑल्सो।
अब मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि कल तो मेरी हालत बिना पानी के मतलब रात तक तो बिल्कुल मेरे को हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे लोगों की होगी ना, आधी समझ में नहीं आ रही थी पानी की वो कमी आपकी होगी, क्योंकि आप जब तक वॉक एंड रेस्ट साथ में नहीं करेंगे ना, तो आपके सेल्स में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो मोबिलाईज नहीं होगा। जब तक वो मोबिलाईज नहीं होगा आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इसको कर लोगे, जैसे कल उठ के और कुछ नहीं करते तो अगर खाना नहीं भी छोड़ते ना, तो भी इसको कंटिन्यूस कर लो तो भी ये हो जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब है ये वाला जो आपका प्रोसेस है ना, ये तो मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ कि खाने के साथ एक ग्लास पानी, ये तो मैं, ये मुझे पॉसिबल लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जो मतलब आप पूरे दिन खाना और पीना दोनों बोल रहे हो ना, तो मुझे ये सोच के लग रहा है कि क्या पता मैं गिव अप ना कर दूं। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप इसको कंटिन्यू कर लो कल, बट वॉक एंड रेस्ट को बढ़ा दो। वॉक एंड रेस्ट को मैं वॉक करके मेरी ऑफिस चेयर पे बैठ जाऊंगा दिन में। नहीं, कल की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। हाँ, कल तो वॉक एंड रेस्ट, कल वॉक एंड रेस्ट थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं। कल को थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा बढ़ा दो, 4-5 घंटे कर दो। उसमें क्या करो, जैसे 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट कर लिया, 1 घंटा सोलो, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट कर लो, 1 घंटा सोलो, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट की 5 मिनट वॉक करना है फिर रेस्ट करना है, 5 मिनट वॉक फिर रेस्ट। हाँ, 5 मिनट वॉक 5 मिनट रेस्ट, इसको 1 घंटा कंटिन्यू कर लेना। अच्छा, इसको 1 घंटे तक क्यूमुलेटिवली, 5 घंटा वो, 5 मिनट ये किया, 5 मिनट वो किया, ऐसे करते करते 1 घंटा, राइट? 1 घंटा, हाँ, उसके बाद 1 घंटा सोलो, हाँ, फिर दोबारा से 1 घंटा करो, फिर 1 घंटा सोलो, ऐसे करके कर लो पूरा दिन। अच्छा, तो दैट विल आल्सो गिव यू अ परमानेंट काइंड ऑफ थिंग। ओके, अभी जैसे मुझे काफी प्यास लग रही है तो अभी, पर मैं पी नहीं रहा हूँ पानी। अगर आप घर पर हो, आज अभी पहुंच गए हो, तो आप वॉक एंड रेस्ट कर लो। अगर ऑफिस में हो तो 5 मिनट चल के देखो, आपको अपने आप प्यास खत्म हो जाएगी। मैं ऑफिस में हूँ, अभी चल के, अभी चल ही रहा हूँ आपसे बात करता करता, जितनी देर अपन बात कर रहे हैं उतनी देर मैं चल रहा हूँ, और फिर मैं बैठ के देखता हूँ, देखें अगर प्यास खत्म हो जाती है। मोस्ट लाइकली हो ही जाएगी, 6 मिनट तो, 7 मिनट तो हो गए अपने बात करते करते, 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए, अभी मैं बैठ के ट्राई करता हूँ। आपका बड़ा मतलब जबरदस्त ये तरीका है, ये कभी इस बारे में कभी सुना नहीं है, तो बड़ा मतलब ये फैसिनेटिंग। जब मैं आपको, जब मैं इसकी कवरेज बताऊंगा ना कि ये कितनी जगह में, कितनी बीमारियों में, कितनी कंडीशंस में लगती है, तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, मैं तो आप एक ही चीज पर देख, काफी रिसर्च करी आप पे कल परसों में, मैं बहुत आपके वीडियोस वगैरह भी देखे, सुने भी सही। वो वीडियोस बड़ा अनऑर्गेनाइज वे में है ना, हाँ, बट अगर आप इसकी और डेप्थ में जाओगे ना, जो बहुत सी चीजें जैसे लेडीज की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, मेंस्ट्रुएशन की। हाँ, तो वो एक आधा पोस्ट किया हुआ है मैंने, ज्यादा नहीं किया हुआ, वो एक आधा किसी ने ओके कर दिया कि इसको ऑब्जेक्शन नहीं था तो कर दिया, बट अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। तो वो 101% उसका क्योर है इसमें, और दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, और उसका एक्सटेंट कितना है, ऑलमोस्ट यू कैन से 70% लोगों को प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उसका जो इम्पैक्ट है, आपका स्नीजिंग तो हजारों में से एक आधे आदमी को होती है, हजारों में से एक आधे आदमी को प्रॉब्लम होती है ना स्नीजिंग वगैरह की, आपकी जो प्रॉब्लम है ये काफी कम है क्या ये प्रॉब्लम? हाँ, ये इतना कम है, बहुत कम लोगों को होता है। मेरे आसपास मतलब दो लोग और दो जन और भी हैं जो मेरे को मतलब, मैं उनको जिनको बताया है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि हाँ 2-4 दिन आप करो, अगर आपको रिलीफ लगता है तो हम भी करेंगे। तो मैं पहले कर रहा हूँ, मेरे ये आपका प्रोसेस जो है, मैंने 2-3 लोगों को और बताया, उनको भी सेम प्रॉब्लम है मेरी वाली। अच्छा, आप कहाँ से काम कर रहे थे? मैं उदयपुर राजस्थान में हूँ। हाँ, तो उदयपुर राजस्थान होने की वजह से वहाँ पर लोग ज्यादा पानी पीते होंगे शायद, इसलिए पानी ज्यादा पीते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे वो है क्या कहते हैं, हीट है, और दूसरी बात पूरा शहर खुदा हुआ है बेसिकली अभी, तो अच्छा। धूल बहुत ज्यादा है अभी फिलहाल, तो उससे आधे लोगों को शायद बीमारी लग गई होगी अंदर, एलर्जी। नहीं नहीं, धूप से कुछ नहीं होता, एलर्जी से कुछ नहीं होता, डस्ट से कुछ नहीं होता, ना ना कुछ नहीं होता। अब अभी देखोगे ना, इसे आप डस्ट तो उतनी रहेगी ना, डस्ट से कुछ नहीं होता, उसका एक एनवायरमेंट चाहिए होता है, वो वहीं पकड़ता है जहां पर पानी ज्यादा हो। आपकी बॉडी में जिससे ज्यादा पानी होगा तो डस्ट या पोलन जो भी होगा वही काम करेगा। तो ये रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है, ये पूरी दुनिया जो वेस्ट में जो बोलते हैं कि ज्यादा पानी पियो, इवन ईस्ट में भी लोग बोलते हैं पानी पियो, सुबह उठते ही बाबा रामदेव बोलता है 2 ग्लास पानी पी लो, और ये सब बिल्कुल एकदम विपरीत बातें कैसे हो रही है, जबकि रियलिटी आप बोल रहे हो कि पानी की इतनी जरूरत ही नहीं है हमारी बॉडी। आपको पता है राजीव दीक्षित कौन था? बताइए, ये बाबा रामदेव का जो व्हाइट ड्रेस में जो बैठा रहता है उसके साथ, वही? हाँ, वो नहीं, नहीं वो नहीं, तो ये जब नहीं नहीं जो आज से 8-10 साल पहले एक भारत स्वाभिमान करके इन्होंने आंदोलन चलाया था ना, अच्छा, तो उसका चीफ बना दिया था राजीव दीक्षित करके, देखोगे ना उसमें यूट्यूब में कम से कम उसका 1000 वीडियो होंगे। ओके, दिस गाय वाज, देयर इज वन वीडियो की राजीव दीक्षित की डेथ के बारे में देखना, उसमें एक वीडियो मिलेगा जिसमें 3 वीडियो आपको मिलेंगे। ओके,
एक वीडियो में अपने मरने से पहले एक दिन पहले बोल रहा है कि मुझे पिछले 16 साल से कोई बीमारी नहीं हुई। अच्छा, अगले दिन वो मर जाता है और उसके मरने के कुछ घंटे के बाद, क्योंकि बाबा रामदेव का वो उस आंदोलन का उसने चीफ बना दिया था उसको, तो उसके इमीडिएट डेथ के बाद में ही सेड कि इसको पिछले दिन हार्ट अटैक हुआ और मेरे से एक घंटे बात हुई और मैंने इसको कहा कि इसका अपना हार्ट का वो ऑपरेशन वगैरह करा ले और इट इज सीरियस थिंग एंड इसको ये पिछले कई सालों से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थी और ये योगा वोगा सब करता था। करने को मारो गोली, एक दिन पहले वो बोल रहा है मैंने 16 साल से कोई बीमारी नहीं मुझे, और रामदेव कुछ घंटे बाद कह रहा है कि इसको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं होता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अगले दिन हार्ट अटैक से मर गया बंदा 40-44 साल की एज में एंड यूज टू से द सेम थिंग कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए एंड ऑल दैट। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद सब स्टेटमेंट रिवर्स हो गए एंड रामदेव के कैंप से 15-20 लोग खड़े हो गए। दे स्टार्टेड मेकिंग ए स्टेटमेंट कि ये जो उसकी डेथ हुई है समबडी पॉइजन्ड हिम बिकॉज दे वर जेलस ऑफ हिम बिकॉज उसको अचानक से बहुत सीनियर पोजीशन दे दिया, चीफ बना दिया था। अच्छा, वो चीफ इसलिए बनाया था, ही वाज अ वेरी वेरी एक्सेप्शनली गुड ऑरेटर और वो इतनी लंबी लंबी फेंकता था कुछ कहने की बात नहीं, और लोग उससे उसको पकड़ नहीं पाते थे। पकड़ नहीं पाते थे या जो भी कह लो, मतलब उसका जो स्किल था ना बात करने का, दैट वाज 10 टाइम्स सुपीरियर देन रामदेव। इवन दीज गाइज आर सर्वाइविंग ओनली एंड ओनली ऑन फॉल्सहुड एंड लाइक हाउ टू कंट्रोल द पब्लिक, अपने ओरेटरी स्किल के ऊपर चल रहे हैं। रामदेव का पिछले साल या दो साल पहले वो बहुत चला था कि अपने घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए यूके गया, बाहर गया। उसके बाद में अभी दो तीन महीने पहले उसका बालाकृष्ण का मरा हुआ था कि उसको हार्ट अटैक हो गया एंड देन दे सेड किसी ने उसको मिठाई दी उसके वजह से वो बेहोश हो गया, हम FIR कराएंगे, वील इन्वेस्टिगेट एंड ऑल दैट स्टफ। देन नो इन्वेस्टिगेशन नो FIR देयर और सेम चीज उसका हुआ। आपका ये योग के बारे में क्या विचार? यूजलेस है, यूजलेस है, इज नॉट इवन 1%। मेरे 550 वीडियो है अभी YouTube पर, 550 में से कम 100 वीडियोस में आपको लोग कहते हुए मिलेंगे कि हमने हर तरीके का योग करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ। एक्चुअली मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ क्योंकि मैं भी काफी सालों से डिफरेंट टाइप ऑफ योगा ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके के मैंने खूब योगा ट्राई कर लिए, मेरे को कोई फायदा हुआ नहीं है। मैंने एलोपैथी ट्राई कर ली, योगा, आयुर्वेद से मेरा पेट खराब हो जाता है, होम्योपैथी मैंने ट्राई कर लिया, तो मैं भी सब ट्राई करके आया हूँ, उससे फायदा तो नहीं हो रहा है। पर हजारों सालों से ये अपने हिंदुस्तानी सभ्यता में योग सिखाया जाता है, इसके फायदे बताए जाते हैं, पर आप देखो, बोलते हैं आप कि ये बैलेंस हो जाता है। एक मिनट देखो, आपको मान लो कोई प्रॉब्लम है एंड आपका प्रॉब्लम इज ड्यू टू इनएक्टिविटी, आप उसको 15-20 दिन महीना भर योगा करते हो, यू मे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ योगा, इट इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज यू आर मूविंग। ओके, मतलब जो भी आप मूवमेंट्स कर रहे हो उसकी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है उसकी वजह से आप पेट को हिला रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। वो जितना भी वो अनुलोम विलोम और ये सब बकवास करते हैं ना, वो सब बेकार है, बेकार की बातें हैं, इनसे 1% फायदा नहीं होता। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ दोस। मेरे घर में अपना एक किस्सा है, मेरे को एक मेरे चाचा का बड़ा केस ध्यान है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपसे ये बात शेयर करता हूँ, मुझे उस समय भी उनका लगा था, वो बड़ा क्या अनुलोम और कपाल भाती किया करते थे, झटके दे देगी कपाल भाती। अचानक से उनकी ये बात पता पड़ी कि उनके इंटेस्टाइन में ना छन्नी बन गई, उनके इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन में मल्टीपल होल हो गए, बर्स्ट हो गई उनके इंटेस्टाइन। उनको फटाफट अपोलो में अहमदाबाद ले जाना पड़ा, ऑपरेशन से उनको सेव किया गया और उनकी बॉडी में सिवाय मेरे को ओवर द इयर्स वो कपाल भाती ज्यादा लगती है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं उनको इससे नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपको मैं आपको बताता हूँ हमारा केस क्या था। मेरी मदर इन लॉ वाज वेइंग अराउंड 100+ kg, तो उस समय तक बच्चे अच्छे बड़े हो गए थे, एवरीबॉडी सेटल, तो शी वाज अलोन। तो उसको किसी ने कपाल भाती अनुलोम विलोम बताया, शी स्टार्टेड डूइंग इट। विदिन 6 months हर वेट केम डाउन फ्रॉम 100 to 70 kg। ओके, एंड शी वॉज गुड, मतलब 70 kg में हाइट वाइट बहुत अच्छी थी, 5 feet सम 10 inches और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर द हाइट एक्जेक्टली, बट शी वॉज मतलब वेल बिल्ट पर्सन, तो 70 kg वॉज गुड फॉर, ठीक है। एंड उसके बाद में शी कंटिन्यूड फॉलोइंग द सेम थिंग, नेक्स्ट 6 months में हर वेट वेंट अप टू 130 kg। एंड उसका जो आईलिड्स होते ना, वो आईलिड्स के मास इतना ज्यादा लटक गया कि उसकी उनकी आंख बंद हो गई, फिर वो सर्जरी करा करके उसको काटना पड़ा। उसके बाद में 1-2 साल उनका पोजीशन ही होता था, साल में 6 महीने या 3-4 महीने वो हॉस्पिटल में रहते थे, एंड फाइनली शी डाइड एट द एज ऑफ मे बी 65 और समथिंग लाइक दैट। सो आई वुड एट्रीब्यूट ऑल दैट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। हाँ, उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ।
कि जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, चाहे कपालभाति हो चाहे अनुलोम विलोम हो, आपका ब्रीदिंग रेट जो होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बॉडी फ्लूइड्स। आपकी बॉडी में जितने फ्लूइड्स होंगे आपका ब्रीदिंग रेट उससे कंट्रोल होगा। जब आपके हॉस्पिटल में लोग होते हैं ना आईसीयू में, तो जिनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है 20 से ऊपर चले जाता है तो आईसीयू में पड़े होते हैं, जैसे जैसे उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ता रहता है उसका मतलब ये होता है कि उनका फ्लूइड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जो भी आईवी वशाईवी लगे होते ना, तो आपका फ्लूइड बॉडी में जितना ज्यादा होगा आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता रहेगा। अदरवाइज एक एडल्ट जिसका की फ्लूइड कंट्रोल बहुत अच्छा है उसका ब्रीदिंग रेट विल बी समवेयर अराउंड 12 से 14। ठीक है, आप अपना भी ब्रीदिंग रेट देखोगे तो आपका भी इन द रेंज ऑफ 18 से 20 के आसपास होगा शायद। अभी आप नहीं पी रहे हो तो अच्छा। फिर दूसरी चीज क्या, आप जब आपने डिहाइड्रेशन शुरू कर दिया ना, अब आप ब्रीदिंग रेट देखोगे। अगर आप किसी और आदमी के ऊपर ट्राई करना चाहते हो, किसी के ऊपर भी ट्राई कर लो, सो उसका जिस समय आप डिहाइड्रेट करते हो, डिहाइड्रेट करने के 24-48 घंटे का उसका ब्रीदिंग रेट देखना, इट विल कम डाउन सब्सटेंशियली। उसका ब्रीदिंग बहुत डीप हो जाएगा एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो ऑटोमेटिकली होता है। जब फ्लूइड कम होगा ब्रीदिंग रेट डीप हो जाएगा और पर मिनट कम हो जाएगा, और जिस समय आप ओवर हाइड्रेट कर लेते हो, 5 लीटर पानी पी लोगे तो इमीडिएटली योर ब्रीदिंग रेट विल बिकम फास्टर। यस, सो वो नेचुरल तरीका वो है। आप उसको जबरदस्ती करोगे तो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से दूसरे ऑर्गन्स में वो फ्लूइड कहीं और शिफ्ट होगा, ये तो नहीं है कि वो बाहर निकल आता है। हाँ, सही बात है। तो वो आप उसको मिसमैनेज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लूइड्स फॉर यू चेंजिंग इन द ब्रीदिंग रेट यू डू दैट, इसलिए वो हार्मफुल रहता है। वो कभी ब्रेन में चला गया, कभी कुछ हो गया, तो बेसिकली शी यूज्ड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर में हो गया एंड शी यूज्ड टू हैव हेडेक्स, और वो हेडेक्स उनसे कंट्रोल नहीं होता था। वो शी यूज्ड टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पेन किलर्स और पता नहीं आईवी शाईवी देते थे। तो शी स्पेंट टाइम लाइक दैट, दो एक साल ऐसे लगाया, फिर उसका अल्टीमेटली शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ओके, सो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आज से 3-4 साल पहले डाला हुआ है कि जो ब्रीदिंग है उसको उससे कंट्रोल करना होता है, तो व्हाई डू यू कंट्रोल विद दिस नेचुरल सिस्टम। वो है तो आप पानी को बंद कर दो, एक दिन अपना ब्रीदिंग रेट आपका चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ये जो आप इतनी रेडिकल अप्रोच, आपकी जो अप्रोच है बाकी सारी चीजों से एकदम मतलब यूनिक है, तो लोग बाग आपको इस बारे में मीडिया कवरेज वगैरह के बारे में आपने कभी मतलब हुआ होगा ना आपका डेली में जरूर? नहीं, कुछ नहीं होता। इफ आई गो समवेयर तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो थ्रेटन करने लगते हैं। इवन आप, मैंने बहुत से सोशल मीडिया ट्राई किया। आई वॉज राइटिंग अबाउट 15-20 ईयर्स बैक, याहू आंसर्स होता था उस समय। राइट, आई नो दैट। तो आई यूज टू गेट ब्लॉग, शुरू में 2-4 महीने लिख लिया एंड जैसे ही मैं थोड़ा सा पब्लिकली प्रोमिनेंट होना शुरू हुआ तो अकाउंट ब्लॉक हो गया, समरी रिपोर्टेड। मैंने नया अकाउंट बनाया तो वो 15 दिन में ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही बनाता था फिर धीरे धीरे स्टेटस आ गया कि अब कोई भी नई आईडी में बनाता था उसके मतलब कुछ ही मिनटों में ब्लॉक हो जाता था। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन ट्विटर, तो ट्विटर पे मैंने बहुत मैसेजेस भेजे, तो जब फॉलोइंग वगैरह बढ़ गई तो उसके बाद ट्विटर बंद हो गया, मेरा ब्लॉक हो गया। तो उसके उसमें बहुत मेहनत करी थी। फिर मैंने कोरा पर लिखना शुरू किया, मेरा कोरा ब्लॉक हो गया। अभी तो आपका कोरा चल रहा है, मैं तो आपके हाँ वो दूसरी आईडी से चल रहा है ना। पर मैं आपको एक बात बताऊं भला जी, ये हमेशा तो सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं एक्चुअली अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा हो तो मैं डिजिटल मार्केटर कंसल्टेंट हूँ, तो मैं काफी सारे आपके तरीके के लोगों से के साथ काम भी किया है, आपके जितने यूनिक अप्रोच वाले नहीं पर हाँ किया है, और कुछ लोगों को फॉलो भी किया है, क्योंकि मैं मेरी चीखों के तरीके से राहत चाहता था ना, तो मैंने कुछ अनकन्वेंशनल लोगों को और भी फॉलो किया। उसमें से एक बंदा है विम हॉफ, WIM HOFF। अगर आप उसको देखोगे, वो बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 28 बार वो बर्फ में माउंट एवरेस्ट चट्टी में चढ़ता है। तो उसके कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोचेस हैं जिस तरीके से आपकी हैं, उसको आइसमैन का अवार्ड भी दिया गया। एक मिनट, अनकन्वेंशनल उसमें बहुत सारी ज्यादा चीजें नहीं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, तिब्बत में या कहीं पर एक किसी ने बुक दी थी मुझे, तो वहां पर जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं ना, व्हाट दे डू इज कि जब बर्फ जमी होती है तो वो एक धोती सी लेकर अपने चारों तरफ बैठ जाते हैं ऑलमोस्ट विदाउट एनी क्लोथ्स। ओके, और उनको कुछ ही देर के अंदर पसीना आने लगता है। तो आई कुड रिलेट दैट विद कि मुझे ना आज से 15-20 साल पहले जब मैंने ये सब शुरू किए एक्सपेरिमेंट्स, तो आई यूज टू हैव वेरी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, मुझे हड्डियों के बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। ओके, सो जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें कोई इलाज ही नहीं था इसका। तो वन ऑफ द इलाज वाज कि आप सन एक्सपोजर लो मैक्सिमम। हाँ, तो बाकी दवाई कैल्शियम और डी3 वगैरह कोई काम नहीं करते हैं। हाँ,
सो दैट वाज वन अप्रोच एंड अदर वाज टू डू एक्सरसाइजेस जिसमें आप अपने जॉइंट्स को मतलब झटका देते हो. ओके ठीक है. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज गर्मियों में भी मैं शॉर्ट्स पहन के छत पर बैठ जाता था. अच्छा. शॉर्ट्स एंड नथिंग एल्स. सो व्हेन आई यूज्ड टू डू इट इन विंटर्स, तो जैसे मैं पीक विंटर्स में कर रहा हूँ तो उसमें हवा भी चल रही है तो ठंड भी होती है. विदाउट क्लोथ और छत पर बैठे हो तो ऑब्वियसली ठंड तो लगेगी, जम के काफी लगेगी. 15 मिनट के अंदर पसीना आ जाता था. अच्छा. तो इट इज अ नेचुरल थिंग. जब आप स्वेटर वगैरह पहनते हो ना तो दैट इज द रीजन फॉर ठंड लगने का. अगर आपको सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है और इफ यू आर नॉट मेकिंग मच ऑफ मूवमेंट तो पसीना आ जाता है. तो वो जो आइसमैन वगैरह ना, वो थ्योरीज बहुत वो नहीं है, दे जस्ट अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग एंड वो सीक्रेट रख के किसी को शेयर नहीं करते हैं. नहीं अब मैं, हाँ वो बात मैं आपकी मान गया. मेरा पर्टिकुलर पॉइंट ये है करने का कि जब उसने अमेरिका में भी क्या, उनका मेडिकल सिस्टम भी बड़ा टाइट है, जब भी कोई अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है ना तो वो लोग उसको रेजिस्ट करते होंगे, बट स्टिल उसने उसका भी जो जर्नी रहा उसने भी कुछ ऐसी आपके बारे में पोस्ट करी, पर अभी उसके सारे अकाउंट स्टेबल है, मतलब उसके अकाउंट स्टेबल रहते हैं. तो ऐसा आपके अकाउंट भी स्टेबिलाईज मतलब हो जाने चाहिए अभी. नहीं, तो अभी तो मेरा स्टेबलाइज भी है और आज की डेट बहुत ओपन हो गया है सारी चीजें. अभी इतना जल्दी कोरा आपको ब्लॉक करेगा नहीं मुझे लगता. नहीं एक्चुअली पहले पता है कोरा का ब्लॉक करने का बेसिक रीजन क्या था. पीपल यूज टू राइट वेरी ऑफेंसिव थिंग्स, आई यूज टू आंसर देम. अच्छा. तो वो जो होता था वो एक डिबेट की फॉर्म में होता था, चलता रहता था. हाँ तो वो एक थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट बन जाता होगा. हाँ आई यूज टू अवॉइड पासिंग मतलब अनकंफर्टेबल रिमार्क्स तो नहीं मैं करता था, बट फिर भी वो हीटेड हो जाता था. Okay. So I got some warnings from them, I ignored them. I used to say कि भाई उसके स्टेटमेंट देखो ना कि वो कितना ऑफेंसिव है, वो दे यूज टू पास वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स. So they blocked that. तो उस समय तक मेरा कोरा के ऊपर भी बहुत अच्छा बिल्डअप हो चुका था. आज की डेट में क्या है कि आई एम वेरी वेरी केयरफुल. पिछले कुछ दिनों में मेरा जो आंसर्स है ना, डुप्लीकेट आंसर्स बहुत सारा डिलीट हुआ है, बट दे हैव नॉट ब्लॉक माई अकाउंट. पहले वो वार्निंग देते थे ना तो कुछ दिनों के लिए ब्लॉक करते थे. फिलहाल मेरा कुछ दिनों वाला ब्लॉग तो बंद हो गया है. अब मैं आई एम वेरी केयरफुल क्योंकि अब मेरे 40 लाख तो व्यूज है कोरा पर. अच्छा. 40 लाख व्यूज के अलावा 2 लाख व्यूज पर मंथ है मेरे अभी. ओके. 2 लाख व्यूज के अलावा 15 बीमारियों में आई एम द टॉप राइटर इन द वर्ल्ड. वाओ. तो मैं उसको अभी एक्सपेंड करके कम से कम 30 पर लेके जाऊंगा अगले 3 महीने में. बिकॉज पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि ये किस किस चीज का काम करता है. तो व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट्स आई रियलाइज कि दिस इज something which has very very high potential for age reversal and to maintain your to stop the aging process. Okay. So मेरा अभी focus aging process को stop करने पर है और reverse करने पर rather. वो तो आपका बहुत ही grand aim है. मैं तो नहीं, it is something which is almost done. It's not something which is very far off. That's really मतलब आप मतलब बहुत ही जबरदस्त आप इंसान है. मैडम मेरे को खुशी हुई आपकी प्रोफाइल देख के कि यार 15 साल से बंदा कर रहा है यार, मजा आ गया मतलब आपसे. पर आप जो कह रहे हैं ना कि वो पब्लिसिटी नहीं हो पा रही किसी भी तरीके से, नहीं हो पा रही. बहुत लोगों से जिनके मीडिया वगैरह में कॉन्टेक्ट है सब ट्राई करके देख लिया. आई डोंट नो समथिंग इज नॉट क्लिक. मे बी मैं एम स्लाइटली आई गेट आउट ऑफ कंट्रोल या एग्रेसिव हो जाता हूँ. आपको गुस्सा आ जाता है? गुस्सा नहीं आता. यूजली आई डोंट यूज रॉन्ग वर्ड्स या जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ आई डोंट नो हाउ यू फील. You come across as very genuine and authentic to me. I don't know. Some people, maybe I am very confident. Even like मेरा एक कलीग है जो हमारे स्कूल में पढ़ता था. So I post on my WhatsApp group जो हमारे स्कूल के लोगों का है. And he feels very uncomfortable. He says, why do you feel like you are the most knowledgeable person? वो उनके खुद का अंदर का इनसिक्योरिटी है, उससे हमें क्यों अपने आप को वो होने देना. कुछ लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, वो किसी और को भी कुछ अच्छा करते हुए देखना नहीं चाहते हैं, वो खुद अपने आप में ऐसा फील करते हैं. तो देयर विल बी ऑलवेज विल बी पीपल लाइक दैट. अगर आप किसी भी फेमस इंसान को भल्ला जी यहाँ देखेंगे, कोई भी ऐसा इंसान जो कुछ अलग करना चाहता था, तो वो हमेशा ऐसी बातें उसके साथ होती रहती हैं. वो अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट है. आई एम नॉट मच वरीड अबाउट या मैं उसको कोई इतना फोकस नहीं करता हूँ. आई डोंट गेट डिस्टर्ब विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स. आई नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. पर एट द सेम टाइम जो उसको पब्लिसिटी होना चाहिए ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2-1 महीने काम किया एक हॉस्पिटल में. इन द सेंस कि आई फॉलोड अप विद द हॉस्पिटल का जो क्या होता है ये मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एंड ऑल दैट जो हेड होते हैं. तो आई वेंट टू देम विद द ऑफर कि डायबिटीज जो होता है या जो स्किन डिसीज है वो सारा का सारा होता है पानी के ज्यादा होने की वजह से. सो आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू कलेक्ट डाटा कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं मैं डाटा कलेक्ट करूं या आप खुद अपने डॉक्टर से करा लो.
तो जब आपके पास कोई स्किन का पेशेंट आता है तो आप उसको देखो कितना फ्लूइड इनटेक है उसका, उसको नोट करते जाओ, बिल्ड अप ए डेटाबेस एंड सी, अगर उसको उनमें से कुछ लोग एडवाइस करना है एडवाइस कर दो, टू ड्रॉप एंड सी हाउ फास्ट दे इंप्रूव, ना भी इम्प्रूव हो आप सिर्फ ये डाटा कलेक्ट करो ना कि कितना फ्लूइड इनटेक है टोटल उनका दिन का, एंड देन यू कंपेयर इट विद द पीपल जिनको प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको एक डाटाबेस तो बन जाएगा. देन आई वांटेड कि डायबिटीज में जो मैनेजमेंट चल रहा है उसके ऊपर आई मेट दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी से भी. तो आई सेड कि भाई जो डॉक्टर्स हैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसमें हम जा रहे थे वहां क्या होता है कि 2 बजे ओपीडी खुलती थी, 100-150 पेशेंट होते थे, वो 150 पेशेंट को 3-4 डॉक्टर बैठ के 15 मिनट में भुगता देते थे, फिर एक आधा घंटा गप मारते थे और 3 बजे चले जाते थे, 5 बजे तक की उनकी ड्यूटी होती थी ऑफिशियली. तो आई सेड व्हाई दे कैनॉट बी मेड टू कलेक्ट द डाटा. और फिर उसके बाद डाटा तो कलेक्शन का नहीं मिला, पर वो जब वो एचओडी से बात करी, एक दो लोगों से बात करी वहां समा एक हॉस्पिटल में, वो कन्विंस हो गए. सेड कि आप कर लो. मैंने कहा ऑफिशियल इसका मेरे को वो तो अप्रूवल दो. कहते ऑफिशियली नहीं मिलेगा, वर्बली बता रहे हैं, आप वर्बली कर लो, हम नहीं ऑब्जेक्ट करेंगे. तो आई इंटरेक्टेड विद 300-400 पीपल देयर. तो उसका भी जो कंक्लूजन था वो यही था कि जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनका जो डायबिटीज मैनेजमेंट है वो पूर रहता है, वो मेडिसिन और इंसुलिन के बावजूद भी उनका बहुत हाई रहता है ब्लड शुगर. फिर उनमें से कुछ लोगों से बात करके उनको कन्विंस किया पानी का इंटेक कम करने का, तो पानी का इंटेक कम करते उनका डायबिटीज का जो ब्लड शुगर होता है वो गिर जाता था, और कुछ लोगों का तो एकदम नॉर्मल रेंज में आ गया. अभी भी मेरे को पिछले 4-5 दिन में वो स्टेबली कम रहता है हमेशा, या वो वापस शूट अप नहीं, करता वो है? वापस देखा था जिसमें वापस जाता था, वो वापस जाता था. फिर उसके बाद वापस जाने के बाद क्या इलाज है उसका? इलाज अभी कर लिया ना, उसका इलाज अभी जो 2-3 लोग पेशेंट्स है ना उनको थोड़ा सा रिवर्सल ये किया, जैसे आपको बोला था ना कि आपने खाने के साथ पानी पीना है 3 दिन, फिर उसके बाद में एक घंटा पहले पीने, तो दैट इज द फाइनल थिंग जिससे कि वो 100% ठीक हो जाएगा. हाँ, परमानेंट हो जाता है. उसके बाद आप जो मर्जी स्टेबल रहेगा 120-130 जो भी रहता है. हाँ, एकदम उसके भी नीचे आ जाए जो इवन नंबर्स होते हैं. अब मैं आपको बल्ला जी एक बात बताता हूँ, क्योंकि आई फील दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और आप मेरी तो मदद कर ही रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग. क्योंकि अगर आपके से मेरा हो जाता है तो 100% हो जाएगा. आई डोंट थिंक इट विल बी मोर देन 1 वीक अगर ये चीज सॉल्व हो जाने, क्योंकि मेरे जीवन के 4 सालों में मैं समझता हूँ कि मतलब मैंने करीब 3-4 महीने 6 महीने तो मतलब इस चीज से एग्जैक्ट उन दिनों में परेशान होते हुए निकाले होंगे. बड़ा दिक्कत है. आप एक आपको मेजर पब्लिसिटी की, ऐसे कोई बड़े मीडिया हाउसेस की पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, आपको एक सेल्स फनल की जरूरत है. सेल्स फनल का नाम सुना है आपने? वेबसाइट, बाय द वे आपकी वेबसाइट में वायरस है. हाँ. आपको पता है नहीं ये बात? नहीं पता, पर आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो मुझे अनशंट एड्स पे रीडायरेक्ट करता रहता है. मैं अगर आपका एक आर्टिकल एक बार खोलता हूँ तो वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ पे भेज देता है, दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है बार बार. मुझे मतलब 2-3 बार आपके पे जाके क्लिक करना पड़ता है. मेरे से तो ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा जब मैं आपकी वेबसाइट चलाऊंगा ना, अगली बार जब मेरे को होगा ना तो मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजूंगा. तो हाँ, पर मुझे मैसेज तो आते हैं, पर ये वाला एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ था. पर मुझे मेरा उस पर है ना वेबसाइट, क्या बोलते हैं उसको, गोडेडी पर, तो उनका रेगुलर आता रहता है कि मालवेयर वगैरह है. हाँ, वो आपके में मालवेयर वगैरह कुछ ना कुछ आ गया है उसके अंदर, उसका भी अपन इलाज करेंगे. पर आपको बेसिकली, आपने सेल्स फनल का नाम सुना है? नहीं जी. सेल्स फनल वेबसाइट का एक डिफरेंट थोड़ा सा फॉर्म होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, एक्सपर्ट्स कोचेस, वो वेबसाइट की बजाय सेल्स फनल का यूज करते हैं. सेल्स फनल वेब पेजेस का एक सिंक्रोनाइज फॉर्म होता है जिसमें पहले उनका ईमेल कैप्चर किया जाता है, फिर उनको इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे के बिट्स एंड बाइट्स में उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है आपके मेथड की. एकदम से सीधा किसी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दो तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो धीरे धीरे उसको उस बारे में कन्विंस करते हैं. अगर आप पढ़ना चाहें इस बारे में, और तो मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है रसल ब्रंसन की, एक्सपर्ट सीक्रेट्स. उसमें क्लियरली यही बताया हुआ है कि जो आपके तरीके के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लाइफ चेंजिंग कुछ, जिनके पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, वो उसको किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं इंटरनेट पे. तो अगर आप बोले तो, अगर आप मुझे ईमेल फॉरवर्ड करें तो मैं आपको किताब फॉरवर्ड कर सकता हूँ. मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छी, और उससे काफी अच्छी इनसाइट मिलनी चाहिए आपको. अगर आप ईमेल तो अपना दे देता हूँ अभी आपको, अभी मैसेज कर देता हूँ. आप मुझे ईमेल भेज देना, और आपकी वेबसाइट के वायरस का जैसे मुझे अगली बार दिखेगा ना कि गलत जगह पे जा रहा है, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे व्हाट्सएप करूंगा. उसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन तो या तो वायरस स्कैन करना पड़ेगा किसे, या फिर वो कुछ एक जैसे गोडैडी से भी करवा सकते हो, या किसी को हायर करके उससे भी अंदर वायरस कितना है वो देखना पड़ेगा. गोडैडी के चार्जेस तो बहुत हैवी रहते हैं ना, वो तो चार्ज ऑन एनुअल बेसिस और मंथली बेसिस. हाँ, तो गोडैडी का तो चार्ज रहेगा. ये वेबसाइट आपने किससे बनवाई है? खुद ही बनाई हुई है.
खुद ही बनाई है आपने? सारे काम वर्डप्रेस से बनी हुई है ना? वर्डप्रेस में वर्डप्रेस से बनी हुई है ना? हाँ, तो मैं इस बारे में सर्च करूंगा इस बारे में भी कि वो आपका वायरस जो है कैसे निकल सकता है, अगर कुछ होगा तो मैं उस बारे में आपसे शेयर करूंगा और देखते हैं अपन लोग इसको धीरे धीरे लेते हैं। एक बार तो मैं भी साथ में इलाज कर ही रहा हूँ 2-3 लोगों को, और भी आगे अपन लोग करते हैं। वी स्टे इन टच, मैं आपको किताब भी भेजता हूँ, अपन लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं। आप मुझे अभी ये बताओ कि अभी मैं क्या करूं, अभी जैसे मैं घर जाके खाना खा के एक ग्लास पानी पीऊं और सोते समय एक दो सिप ले सकता हूं नींद करने से पहले, मतलब अगर बहुत प्यास लग रही हो कि नहीं लूं? नहीं लगेगी आपको, अगर आप घर जाने के बाद भी 11 बजे तक तो सो ही सकते हो, तो 1 घंटा तो कम से कम वॉक एंड रेस्ट कर लो, उसके बाद नहीं होगी दिक्कत। मतलब वॉक एंड रेस्ट एक ऐसा सीक्रेट इलाज है कि मुझे प्यास लगे तो मैं वॉक एंड रेस्ट कर लूं तो मेरी प्यास। बेसिकली क्या होता है, जब आप वॉक करेंगे ना, अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो आपका जो ये बेसिक प्रॉब्लम है प्यास लगने का, इसका कारण क्या होता है, आपके सेल्स में ज्यादा पानी होता है, ठीक है? तो जब आपकी बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करनी है तो आपके सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जिससे एनर्जी बनती है, तो जो आपके वॉकिंग की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो थोड़ा सा चाहिए, तो उस थोड़े से का क्या सोल्यूशन होता है कि सेल्स थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं। सेल्स का पानी छोड़ने की वजह से सेल्स का जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड सेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। तो जो आपको पानी की कमी हो रही होती है वो इस वजह से हो रही होती है कि सेल में पानी ज्यादा है, और सेल में पानी ज्यादा है तो आपका ब्लड जो होता है उसका काम होता है सेल्स में सप्लाई करने का, तो आपका ब्लड जो होता है वो ज्यादा सप्लाई करेगा तो आपका ब्लड कम होने लगेगा, जब आपका ब्लड कम होगा तो आपको प्यास लगती है, ठीक है? तो जब आप वॉक एंड रेस्ट करके अपने सेल्स के पानी को इन्फ्लुएंस करने लगते हो, तो वॉक एंड रेस्ट करने का दूसरा पर्पज क्या होता है कि जब आप वॉक करते हैं ना, जब आप लंबा वॉक करते हैं तो आपके सेल्स में जो पानी निकलने का प्रोसेस होता है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है। तो अगर आप ज्यादा चल लेते हैं तो सेल्स में स्वेलिंग हो जाती है, और जिससे कि फर्दर पानी का लॉस सेल्स में बंद हो जाता है। अच्छा। तो जब आप 5 मिनट रेस्ट करते हैं तो उससे जो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है वो खत्म हो जाती है। ओके। उसके बाद जब दोबारा करते हैं तो सेल्स विल लूज अगेन वाटर, तो इस प्रोसेस में, और अगर आपके सेल्स अगर वो इन्फ्लेमेशन ना हो तो सेल्स विल स्टार्ट बर्निंग आउट, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। सो इससे वॉक एंड रेस्ट से क्या होता है कि वो आपका बैलेंस हो जाता है और आपका वो जो स्टेटस है ना पानी का वो बना रहता है, और जैसे जैसे 60 मिनट वॉक एंड रेस्ट, मतलब 60 मिनट का मतलब हो गया 30 मिनट वॉक और 30 मिनट रेस्ट। यस। तो आपका ये जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह वेट लिफ्टिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बॉडी बिल्डिंग कोई नहीं होती है, इनका सब मसल टीयर होते हैं। जब जब आप किसी चीज को ज्यादा स्ट्रेस करते हो तो मसल टीयर होते हैं, जहां मसल टीयर होता है वो स्कार टिश्यूज बनते हैं, उस स्कार टिश्यू से आपकी मसल्स की उल्टी सीधी शेप बन जाती है। पर ये दिखने में दिस लुक्स इंप्रेसिव, डू यू थिंक इंप्रेसिव? तो अपना सोचने का तरीका है, मुझे तो इंप्रेसिव नहीं लगता। बट यू डोंट थिंक दैट इज अ हेल्दी थिंग टू डू? नो, इनका हेल्थ स्टेटस बहुत खराब होता है, इनको बहुत सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है। इसको प्रमोट नहीं करते ये इस तरीके का, आपको लगता है कि ये फिजिक बनाने पे इंसान का ध्यान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो उसका स्टेमिना है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा तो मेरी इस एज में भी होगी। बेसिकली तो इट शुड प्रमोट द हेल्थ ना। हेल्थ का मतलब क्या होता है, आपका स्टेमिना ज्यादा है, आप में पावर ज्यादा है। मसल का क्या है, वो दिखने में है कि नहीं, विजिबिलिटी है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? या आप एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी कर पाते हो, आपके बैक में भी उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पर्टिकुलर होते हैं ना स्ट्रेंथ के जो तरीके होते हैं, कोई स्ट्रेंथ यही थोड़ी है कि आपने वेट उठा लिया। तो आप जॉगिंग को भी प्रमोट नहीं करते हैं, मतलब लंबा जो 20-25 मिनट? नॉट ऑन रेगुलर बेसिस पर, हाँ जैसे मुझे भी अगर टेस्ट करना है, जैसे लाइक हमारे बच्चे भी कई बार इसको अपोज करते हैं, तो वी गो आउट, और जैसे अब माय डॉटर इज यंग 23 के आसपास, तो रेस लगा लेते हैं तो मैं जीत जाता हूँ। दैट इज इनफ। वो उसने योगा होगा और जितना भी स्पोर्ट्स वगैरह करना है दे आर रेगुलर। तो अगर मैं किसी रेगुलर के साथ में भी कम्पीट कर रहा हूँ, मैं साल के अंदर मुश्किल से 2-4 दिन ही करता हूँ, तो अगर उसके बावजूद भी आई एम बेटर ऑफ, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम बेटर है ना। आपके बच्चे कभी कभी इस बारे में बोलते हैं कि, अब तो नहीं बोलते होंगे, शुरुआत में बोलते हैं? नहीं, अभी भी बोलते हैं। जैसे नहीं बेसिकली हमारा कंसर्न क्या हो रहा है कि मेरा वेट अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा। अच्छा, आपका वेट कंट्रोल में नहीं? आपका वेट कितना है अभी? मेरा अभी 76 के करीब है। तो वो एक बेसिक कंसर्न है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा, अभी 4-1 kg कम हुआ है, 4-5 kg। तो उनको लगता है कि आपको क्यों कन्वेंशनल जो अप्रोच है जैसे जिम और योगा करना चाहिए, क्योंकि आपके सिस्टम से आपका वेट नहीं कम हो रहा है? हाँ, बट उन्होंने जैसे जिम कर लिया, योगा एक्सरसाइज कार्डियो शार्डियो सब करके देख लिया। आपने करके देख लिया? नहीं, उन्होंने करके देख लिया, तो रिजल्ट उनके पास भी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान होता है।
सी आपके जिम करने से बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे खासकर जो लेडीज और गर्ल्स कर रही है ना, हाँ, उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। मेल्स को क्या प्रॉब्लम्स है? मेल्स को क्या उनको भी सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, सिमिलर उसी सेक्शन में उसी टॉपिक पर ही प्रॉब्लम होती है, मतलब रिप्रोडक्शन में उनको दिक्कत आएगी। बिकॉज उसमें बॉडी में पानी भरने लगता है और वो सेल्स का पानी भर जाता है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके शेप को सपोर्ट करने के लिए वो पानी ही ज्यादा होता है, अगर फ्लूइड ज्यादा होगा तो धीरे धीरे करके वो उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो गिरने लगेगा। ये लोग जिम छोड़ते हैं, जिम छोड़ने के बाद वेट क्यों बढ़ जाता है? व्हाई दे बिकम बहुत बेकार दिखने लगते हैं? अगर आपने मेटाबॉलिक रेट बढ़ाया था, इफ यू आर हेल्दी तो इट शुड कंटिन्यू टू बी हेल्दी। अगर कोई हमारा वॉक एंड रेस्ट करके वेट लूज करता है तो दे स्टे देयर, दे डोंट स्टार्ट गेनिंग वेट जब वो छोड़ते हैं। तो जैसे मैं ही बता रहा हूँ, अगर हम नहीं करते तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, 15-20 दिन का, 2 दिन करो फिर ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है आपके वेट का, अब आप क्या इसमें वॉक एंड रेस्ट में आपको आंसर मिला है कि कुछ और करने वाले हैं अभी आप? मैं अभी तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया ना कि 36 घंटे का बिल्कुल खाना पीना छोड़ने वाला है, दैट आई एम गोइंग टू रिपीट एवरी वीक, और मोस्ट लाइकली मेरा टारगेट है करीब करीब महीने के अंदर 4-5 किलो वेट कम हो जाना चाहिए। 36 घंटे आप खाना नहीं खाएंगे 36 घंटे तक? हाँ, दो रात तो एक ड्रॉप भी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती आपको? सर में दर्द नहीं होता ऐसा? सर में दर्द होता है अगर मैं वॉक एंड रेस्ट नहीं करूँ, सर दर्द का एक परमानेंट इलाज है वॉक एंड रेस्ट। मेरे को अभी लेटेस्ट में जो प्रॉब्लम है जैसे छींके हैं, पर मैं पीछे वाला जो सेक्शन है जो अपना मतलब जहाँ पे गर्दन चालू होती है और जो स्पाइन जुड़ती है वहां पे मुझे दर्द रहता है और मुझे गर्दन में भी दर्द रहता है। वो सब ठीक हो जाएगा, वो तो वो हो गया ना, सर्वाइकल वगैरह हो गया, ये सब भी आपके वॉक एंड रेस्ट से ये भी ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। बल्कि आप ये 36 घंटे वाला जब कर पाओगे ना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपको दिक्कत आएगी, आपको प्यास भी लग सकती है, आपको और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट जब आप इसको 15-20 दिन कर लोगे ना, अगर आप पहले वो वाला करते ना, जैसे फर्स्ट डे फुल डिहाइड्रेशन की जगह अगर आप दिन में 3 बार पानी पीने वाला करते तो आपको जल्दी आराम, मतलब जल्दी आप यूज टू हो जाते पानी कम पीने के, अभी भी हो जाएगा 2-3 दिन। पर आपने ही मुझे कहा कि आप 24 घंटे या 36 घंटे करो, तो मैंने 24 घंटे तो कर लिया 36। हाँ, तो मोस्ट लाइकली आपका वो अब नहीं होगी प्रॉब्लम, होगी तो एक आध बार होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। 24 घंटे मैंने कर लिया, मेरे को 36 मतलब रात को फिर मुझे लगा कि यार अब तो एक ग्लास पीना ही पड़ेगा। हेलो हेलो तो अभी देखते हैं, अभी मैं आपका ये वाला शेड्यूल जो है 3 3 ग्लास और ये पानी पीने वाला ये मैं कंटिन्यू रखता हूँ। अपन लोग इस हफ्ते में देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस किस तरीके की रहती है, क्योंकि अगर मेरे को मतलब ये छींके कम होने लग जाएंगी, अगर ये ही हो जाता है मेरे को तो मेरे लिए मतलब बहुत ही 7 days is lot of time, आराम से मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लगने वाला। 7 days से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको? 90% चांसेस है आप ऑलरेडी ठीक हो चुके हो। 90% चांसेस है कि मैं ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ। ओके ग्रेट, तो मैं पानी को लिमिट में रखता हूँ, बस अपने मील्स के साथ ही लूंगा पानी, और बाकी पानी मैं बहुत ही जरूरत होगी तो सिप ले लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। ठीक है सर, ठीक है, और अपन लोग कॉन्टेक्ट में रहते हैं, मुझे अगर कुछ होगा तो मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय।